no! कहाँ गए मिस्त्री? मालिक! स्पीड तो बहुत ज्यादा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। किया? हराम खोर मिस्त्री। मालिक मसाला लेकर आओ। मेरी बात का जवाब दो। क्या मसला है? आपका काम तो हो रहा है। इस तरह मैंने काम नहीं करवाना। आपको अपने काम की मजबूती चाहिए या नहीं चाहिए? मजबूती के लिए तो घर बना रहा हूँ, पहले वाला तो टूट गया। जितना सुकून से काम होगा उतना मजबूत होगा, ये तो पता है आपको। आपकी बात तो सही है। अगर स्पीड से काम करूँ तो 3 हफ्ते में घर मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बाद में मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। अच्छा आप सुकून से काम करो, मुझे गारंटी वाला काम चाहिए। ठीक है आप टेंशन ना लें, सुकून से काम करना है मालिक ने कहा है। अच्छा। ओह नो! मिस्त्री ये दीवार टेढ़ी है, इसको दोबारा बनाओ कहीं गिर ना जाए। हैं? इतनी टेढ़ी तो नहीं है, ये तो प्लास्टर में सेट हो जाएगी। मिस्त्री अगर दीवार गिरी तो मैं तुझे गिरा दूंगा। मैंने कहा जो है प्लास्टर के साथ बिल्कुल सीधा कर दूंगा। उस्ताजी छुट्टी का वक्त हो गया, मिसाला बच्चा पड़ा है, क्या करें? आहिस्ता बात करो, मालिक सुन रहा है। इस तरह करो, खड्डा लगाओ, मिसाले को उसके अंदर डालो और जमीन बराबर कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मजदूर क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, वो कमबख्त पैसे मांग रहा था। सही बेवकूफ बनाया मालिक को, सारा मिसाला खत्म करते करते आधी रात हो जाती। मैं तो हरामखोर था ही था, तुम इसे बड़े हरामखोर बन गए। नीचे मत उतरना, पूरा 50,000 रुपया इनाम लेके मालिक से नीचे उतरेंगे, अभी मालिक आने वाला होगा। मिस्त्री साहब क्या बना छाती का? सेठ साहब छाती मुकम्मल हो गई है, अब हमें नीचे उतारो। मैं तुम्हें कैसे उतारूं, सीढ़ियों से खुद नीचे उतर आओ। सीढ़ियां तो हमें भी नजर आ रही हैं, शायद आपको हमारी बात की समझ नहीं आई। मिठाई का 50,000 रुपया दो, हम खुद उतर आएंगे। अच्छा 50,000 चाहिए, मैं भी लेके आया। एक एक बात मुझे याद है, जिस तरह तूने मेरा सीमेंट जाया किया मैं मिठाई भी उस तरह दूंगा। अभी मालिक 50,000 रुपया लेकर आ रहा है। ओह नो! मेरी तौबा, अब किसी से अगर इनाम लूं तो आप तुझे 1,00,000 रुपए दूं। रुको,